जी ये इम्पोर्टेड हैं, थाईलैंड से इम्पोर्ट हुए हैं, इनके पेडिग्री पेपर थे लेकिन अब मिस हो चुके हैं। इसकी क्या प्राइस है? असल में ये इतने आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम है ये। डेढ़ से पौने दो साल के अंदर अंदर है। लेकिन फिजिकली ये बड़ी लग रही है मुझे। जी जी ये रशियन समवाइड है, उसकी फीमेल मेरे घर पे। जी थैंक यू, जजाक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज संडे है क्योंकि आज हमने लालू खेत बर्ड मार्केट की और डॉग मार्केट की कवरेज नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो साकिब ने कहा कि मैंने कुछ डॉग लेकर आया हुआ हूँ तो उसको विज़िट कर लें, तो साकिब को मैंने यहीं एक प्लेस पर बुला लिया। हमने कहा आप अपने डॉग लेकर आ जाएँ, इस तरह लोगों तक आगाही भी हो जाएगी और आपके डॉग भी लोग देख लेंगे। तो इस सिलसिले में हमने साकिब साहब को मधु किया था तो वो आ गए। तो नाज़रीन आपको ये बात बताते चलें कि डॉग मार्केट और लियाकताबाद मार्केट कि इस वक्त हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, उसकी वजह ये है कि काफ़ी जो है ना वो एलर्जी हो रही है मुझे धूप में और एटमॉस्फेयर में। तो कभी बन जाएगी जैसे तबीयत सही हुई और कभी ड्रॉप भी हो सकती है, और कुछ यूट्यूब के भी मसले मसाइल हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्टॉप किया है। तो ये तो थी ज़ाती नवायत की बातें, अब आते हैं साकिब साहब की तरफ। साकिब साहब जो हैं वो मुंतज़िर हैं, देखते हैं वो आपको क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जमशेद भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हफ्ते से आपका बड़ा इंतज़ार था, पता नहीं क्या हो गया जमशेद भाई को, अगर आज आप नहीं बुलाते तो मैं खुद आपके पास घर पे आ जाता मिलने के लिए। असल में होता क्या था कि जिन दिनों हम कवरेज कर रहे थे ना, जी जी, यानी गर्मी इतनी शदीद थी, इंतहा की गर्मी थी। जी जी बिल्कुल। और उसमें आपके भी पसीने छूट रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, आप तो वहाँ आके डॉग मार्केट चले जाते थे। जी बिल्कुल। हमें लालू खेत बर्ड मार्केट आना पड़ता था। जी। तो ये पीठ पे ना वो पूरा बर्न हो गया। सही। ये पूरा शोल्डर वगैरह बर्न हो गया। अभी ज़रा सा धूप में जाते हैं ना, जी जी, तो वो परेशानी होती है। तो चलें ये था। अच्छा ये बताएं कि आज डॉग कौन कौन से लेकर आए हैं? जी मैं डॉग लेकर आया हूँ, पोमेरियन है, रशियन है, लेब्राडोर है और एक जर्मन शेपर्ड दिया था मैंने यहाँ पे जो प्लेस पे हम लोग खड़े हैं ना, यही एक वसीम साहब होते हैं, उनको एक जर्मन शेपर्ड दिया था, वो भी दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, जर्मन शेपर्ड भी लेकर आए हैं आप? जी। आप पोमेरियन वगैरह भी लेकर आए हैं? जी पोमेरियन लेकर आए हैं, जर्मन शेपर्ड का एक बच्चा है जो इनको वसीम साहब को दिया हुआ है और एक लेब्राडोर की फीमेल है, बाकी दो जर्मन शेपर्ड दिन में सेल हो गए मार्केट में ना। अच्छा, इनमें इन डॉग में जो आज आप लेकर आए हो जिसमें पेडिग्री है? जी जो पोमेरियन का पेयर है ना वो इंपोर्टेड है लेकिन उनके पेपर मिस हुए हैं, यानी कि पेपर नहीं है उनके। पेडिग्री चिप्स तो लगी हुई होगी ना? इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, पक्का मालूम नहीं है। अगर पेडिग्री है तो चिप्स लगी हुई होगी। चिप लगी होती है वो बड़े डॉग्स में लगी होती है, छोटों में नहीं होती। छोटे डॉग्स में ना टॉय ब्रीड में जो होती है उनमें नहीं होती, मेरे ख्याल से नहीं होती, इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल। पेडिग्री क्यों कहलाएंगे? नॉन पेडिग्री की लाएंगे, जाहिर सी बात है, नहीं इम्पोर्टेड है। जब पेडिग्री होगी तो उसके अंदर चिप भी होगा, ठीक है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि कहाँ से स्टार्ट करें और कौन से डॉग दिखाएंगे पहले आप? पोमेरियन दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको, पहले सबसे पहले पोमेरियन दिखाते हैं। जी जी चलें जनाब, देख लेते हैं पोमेरियन। अब इनके डॉग को वन बाई वन करके हम देखते हैं, फिर हम अपने व्यूअर को दिखाते हैं, ठीक है? थैंक यू, आ जाए। जी साकिब साहब, ये कौन से डॉग हैं? जी ये पोमेरियन डॉग्स हैं, मेल फीमेल पेयर है पूरा। मेल फीमेल पेयर है। अच्छा, उम्र क्या है इनकी? ये ब्रीडर पेयर है, एक बार यानी कि इसने ब्रीड करी हुई है, डेढ़ डेढ़ साल के हैं अभी ये। डेढ़ डेढ़ साल के हैं? अच्छा, इन्होंने ब्रीड की हुई है? एक बार ब्रीड करी हुई है, अब सेकंड टाइम करेंगे इंशाल्लाह। कितने बच्चे दे रहे हैं ये? ये सिक्स बेबीज दिए थे फर्स्ट टाइम। फ़र्स्ट टाइम सिक्स बेबीज दे दिए थे। साकिब साहब इसके प्राइस बताएं। जी सर, ये 3.5 लाख रुपए का पेयर है और इंशाल्लाह आपका कोई भी बस कॉन्टेक्ट करेगा तो 3,20,000 में दे देंगे इंशाल्लाह फाइनल। 3,20,000 में भी कोई गुंजाइश है या नहीं है? जो कोई ख़ास बंदा होगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे, थोड़े बहुत और। थोड़े बहुत है। अच्छा, पेडिग्री है नॉन पेडिग्री? जी ये इम्पोर्टेड हैं, थाईलैंड से इम्पोर्ट हुए हैं, इनके पेडिग्री पेपर थे लेकिन अब मिस हो चुके हैं, यानी कि अभी नहीं है। अच्छा जी। जी साकिब साहब, ये कौन सी ब्रीड है?
जी ये भी पोमेरियन है, ये भी एक साल का है सर। मेल है फीमेल है? जी मेल है मेल। अच्छा ये पेयर में नहीं है? नहीं सर ये सिंगल है। इसकी क्या प्राइस है? असल में ये इतने आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम है ये ना, तो इसके 1,20,000 मांग रहा हूँ मैं। इसके 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं आप? जी सर जी। अच्छा इसकी एज भी मेंशन कर दें। जी ये 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इसकी एज है, यानी 1 से 1.5 के दरमियान है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें भी कोई गुंजाइश होगी नहीं होगी? जी कर लेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। अच्छा तो व्यूअर ये दिखा रहे हैं आपको इसकी हाइट, इसकी ब्यूटी, बहुत समझदार है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, देखो सेकंड वगैरह कैसे करता है। कोको सिट, सिट डाउन, सिट सिट, कोको सिट, कोको सेकंड करो एंड चेक करो, कोको गुड बॉय, गुड बॉय। यानी इसको ट्रेनिंग दी हुई है? जी जी फुल ट्रेन है माशाल्लाह। पोटी पेशाब भी घर में कभी नहीं करता, जब फीड कराते हैं खाना वाना खिलाते हैं बाहर ले जाते हैं, बाहर ही करते हैं घर से। अच्छा तो पोटी ट्रेन है? जी जी बिल्कुल पोटी ट्रेन है और बहुत समझदार है माशाल्लाह। यानी थोड़ी बहुत जो है नॉर्मल ट्रेनिंग पे ही है, सीट और शेक हैंड करता है? सीट शेक हैंड वगैरह सब समझता है, बाकी बॉल से भी खेलता है घर में और बच्चे बच्चे घुमाते हैं, यानी कि फ्रेंडली है बिल्कुल, बच्चों के साथ एडजस्ट है। अच्छा अब क्या दिखाएंगे? जी आपको अभी लेबराडोर दिखाता हूँ। लेबरा है? जी जी लेबराडोर फीमेल है, ब्रीडर है ये सर। ब्रीडर है? मेरा ख्याल है कई दफ़ा ब्रीड कर चुकी है। नहीं नहीं एक दफ़ा ब्रीड करी है इसने, सेकंड टाइम करेगी इंशाल्लाह ये। सेकंड टाइम करेगी? तो इसकी एज क्या है? जी भी 1.5 से 2.5 साल के अंदर अंदर है ये, ज़्यादा एज नहीं है इसकी। लेकिन फिज़िकली ये बड़ी लग रही है मुझे। जी जी हेल्दी है ना माशाल्लाह, तो ये मैंने किसी दोस्त को दी थी, ये मेरे पास 6 महीने की आई थी, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ है मेरे पास उनके पास, यानी कि एक बार ब्रीड करी उनके पास ना, अब सेकेंड टाइम इंशाल्लाह हीट पे आने वाली है। प्राइस क्या है इसके? जी इसके 40,000 मांग रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कम कर लेंगे। कुछ ना कुछ कितने कम कर लेंगे? जी 5,000 कम कर लेंगे इंशाल्लाह। जी साकिब साहब ये जर्मन शेफर्ड? जी ये जर्मन शेफर्ड का बच्चा है 3.5 महीने का। अच्छा 3.5 महीने का है ये। लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट या स्टॉक कोट में है ये? इसका जो फादर है ना वो लॉन्ग कोट में, इसकी मदर जो है वो स्टैंडर्ड कोट की है, तो ये दोनों में ही आया है। तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, लॉन्ग कोट में आएगा या स्टॉक कोट में आएगा या शॉर्ट कोट में आएगा? ये मेरे ख्याल से लॉन्ग कोट में, ये बाप के ऊपर ही, बाप की कॉपी है ये। यानी ये उस तरीके का लॉन्ग कोट नहीं बनेगा जो कि माँ बाप अगर लॉन्ग कोट के होते तो उस तरह बनता? जी जी ये कानों पे बाल है ना इसके, ये सब बड़े हो जाएंगे, भर जाएगा बालों से इंशाल्लाह, ये डबल कोट के लाएगा, डबल कोट। चलें जी इसके प्राइस बताएं। ये वसीम भाई को दिया था मैंने ना, ये किसी साहब ने मेरे को भेजा था अपना अब्दुल्ला भाई ने इस्लामाबाद से, तो ये मैंने वसीम भाई को दिया है ये, यानी कि इनका लेने देने का कोई वो हिसाब किताब नहीं है इनका ना, भाई है। तो क्या अभी हमारे व्यूअर को फ्री में देंगे आप? मैं प्राइस पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं वैसे दोस्त है ना, उनसे कोई लेन देन की बात नहीं है, बस उनको पहले दिया हुआ था एक अपना दूसरा जर्मन शेफर्ड दिया था, तो उसके बदले में दिया एक्सचेंज में। यानी बेचने का नहीं है? नहीं नहीं ये बेचने का नहीं है, ये तो उनको दिया हुआ है ना, ये इन्होंने रखा, ये अपने घर में बेच देंगे इस्लामाबाद दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा ये यूँ कहें कि ये बेचने का नहीं है, थोड़ा इसको खड़ा होकर चलाएँ। ये लग रहा है थका हुआ है, ऐसे चलने का दिल नहीं चाह रहा। असल में दिन भर यहाँ बच्चे घुमाते फिराते रहते ना, अभी आज थोड़ा इसकी तबीयत भी थोड़ी सुस्त थी, तो आज इंजेक्शन लगवा के लाए हैं इसको ना। अच्छा अगर ऐसा बच्चा हमारे किसी व्यूअर को चाहिए तो कितने तक का मिल जाएगा?
ये कम से कम 80-90 हज़ार तक मिलेगा सब बच्चा, पेडिग्री माँ बाप का बच्चा ही है। पेडिग्री माँ बाप का है जी। माँ भी पेडिग्री थी, बाप भी पेडिग्री था जी। जी बिल्कुल, माँ बाप दोनों पेडिग्री माँ बाप का बच्चा ही है। तो ऐसा बच्चा कम से कम 1,00,000 रुपये तक ही आता है। अच्छा, तो ये बस टोटल यही आपके पास डॉग थे आज? एक और भी है रशियन, वो किसी साहब के लिए लिया है मैंने, अयाज भाई के लिए, हैदराबाद में है वो ना, तो वो भी दिखाता हूँ आपको जी। साकिब साहब, इसके मुताबिक बताएं जी। जी ये रशियन समवाइड है, इसकी फ़ीमेल मेरे घर पे और ये मेल है, तो पूरा पेयर देना है अयाज भाई को मेरे को इंशाल्लाह, कल भेजूँगा इंशाल्लाह हैदराबाद। तो ये कितने तक की मिल रही है? ये उनको दूंगा कम से कम 25 से 30 के दरमियान में जोड़ा इंशाल्लाह। 25 से 30 में के दरमियान जोड़ा दिखाएंगे, ज़रा इसको टहलाएँ, यूँ करें ज़रा। हाँ चलें जी, तो ये आपके डॉग कंप्लीट हो गए जी। जी तो व्यूअर, ये साकिब साहब के डॉग थे जिसमें पोमेरियन का एक जोड़ा था, एक जर्मन शेफर्ड जो वो अपने दोस्त को सेल कर चुके हैं, और एक रशियन है और एक लैब्राडोर, ठीक है ना। लैब्राडोर की फीमेल थी और रशियन जो है वो मेल है, ठीक है ना। रशियन मेल है और एक अपना पोमेरियन का एक सिंगल मेल है और एक पेयर है। पेयर है, अच्छा। दूसरी बात ये कि आज जो सदर में तो हम लोग नहीं जा सके, वहाँ थे आप, तो सदर की मार्केट कैसी रही आज? जी सदर की मार्केट में आज बड़ा रश था, बहुत लोग आए हुए थे माशाल्लाह, और अच्छा काम चल रहा था आज। अच्छा। दो डॉग्स तो मैंने भी बेच दिए वहाँ पे, जर्मन शेफर्ड थे मेरे पास दो। एक तो मैंने, एक बेचारा लड़का बंदा आया था, बोला यार पैसे कम है ये वो, मैंने बोला यार ले जाओ मसला नहीं है। यानी आपने जो है उस पर तरस खा के दे दिया गया कर दिया उसमें, वो बेचारा अच्छा। दुआएं दे रहा था, मैंने बोला यार कभी कभी दुआ भी लेनी चाहिए इंसान। हाँ जाहिर सी बात है, दुआई तो आगे चल कर काम आती हैं। अच्छा दूसरी बात ये है साकिब साहब कि जब आपके एम्प्रेस मार्केट में शॉप हुआ करती थी तो एक दो वीडियो हमने वहाँ भी बनाई थी। बिल्कुल जी। और हस्की हमने वहीं से दिखाना शुरू किया था, ठीक है ना। तो हस्की जो हमारी पुरानी वीडियो में चल रही है तो लोगों ने देखा जी, हस्की को बेहद पसंद किया और हस्की की एक मार्केट बनती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग जो हस्की का शौक कर रहे थे तो वो यूट्यूब पर नहीं आ रही थी ना जी। जी तो वीडियो के तहत वो हमारी वीडियो के तवसुस से आ गई जी। जी बिल्कुल। अच्छा अब ये बताएं आप, ये आपको डॉग खरीदो फरोख्त का शौक कहाँ से हुआ? जी खरीदो फरोख्त का शौक ऐसे हुआ कि मैं ना जब छोटा था ना तो मैं ईद की शॉपिंग करने गया सदर आया मार्केट में, तो मेरे को मुर्गा मुर्गियों का बहुत शौक था, तो उस टाइम 200-300 का अच्छे से अच्छा मुर्गा मिल जाता था ना, तो मैं सदर आया, मैंने बोला चलो कोई मुर्गा ले लेता हूँ अच्छा सा। मुर्गा लेने गया तो वहाँ देखा तो डॉग्स भी सेल हो रहे थे वहाँ शॉप थी, तो जब मैंने देखा तो मुझे डॉग्स का तो बेहद शौक था कुदरती बचपन से, तो एक अंकल थे उनको मैंने बोला अंकल डॉग कितने का ये, उसमें दिमाग्स फिल्म आई हुई थी उस टाइम, उसमें एक डॉग था ना छोटा था बड़ा अच्छा, बिल्कुल सेम वैसे ही डॉग का बच्चा था वहाँ पे, तो मैंने पूछा यानी दिमाग चल गया, मेरे को बड़ा पसंद आया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसको मैं ट्रेन करूँगा पालूँगा यानी कि। तो जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने बोला 1500 रुपये का है, तो मेरे पास 1500 तो थे नहीं, मैंने बोला 800 रुपये का देते हैं अंकल, अंकल ने बोला नहीं 800 तो बहुत कम हो जाएंगे ये वो, मैंने रिक्वेस्ट करी मैंने बोला दे दे इतने ही है, फिर कभी आऊँगा तो फिर और यानी कि होंगे तो दे दूँगा, फिर उन्होंने दे दिया था मुझे। फिर जब मैं घर लेके गया तो घर पे मेरे को डांट पड़ी, अम्मी ने भी डांटा अबू ने भी डांटा, फिर उसको मैं घर में तो नहीं रख सका कहीं, मैंने पहले तो प्लॉट खाली बहुत होते थे। हाँ मैदान खाली प्लॉट जब छोटा था मैं, वहाँ रस्सी डाल के आपने बांधा होगा? नहीं नहीं, मैंने बिलागों का घर वर बनाया, दूध कटोरी में दूध रखा, उसको देके आ गया घर पे। अब्बू ने पूछा कहाँ गया डॉग, मैंने बोला वो मैंने छोड़ के आ गया कहीं पे, अब्बू को नहीं पता था कि मैं छुपा के आया हूँ कहीं। सुबह उठा 7 बजे कुत्ता लेके सदर पहुँच गया, तो सुबह मैंने लिया के वापस करे, मैंने भाई ले लो, बोला कल तो आपके पास पैसे नहीं थे आज वापस करे, मैंने भाई घर में इजाज़त नहीं मिली, तो इस वजह से फिर उनको आधी कीमत में फिर मैंने वापस कर दिया। अच्छा दूसरी बात ये कि
ये तो अभी आपने एक वाकया बताया है। जी जी। मैंने कहा ये डॉग का शौक कब वहीं से तो स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहाँ से जब आपने वापस किया अभी डॉग, अभी आपने उसको बेचा नहीं, जैसे कि ओपन मार्केट में बेचते हैं ना जी जी, तो वहाँ शौक हो जाता है जी जी, चार पैसे प्रॉफिट मिलते जी हैं जी। ये तो आप कम पैसे में वापस कर रहे हैं जी जी, तो यहाँ तो और शौक खत्म होना चाहिए। आपका शौक बढ़ कैसे गया? बढ़ ऐसे गया कि मेरे को फिर शौक हो गया ना, मेरे को पता चल गया कि यहाँ डॉग्स बिकते हैं, फिर मैं उस दुकान पर आने जाने लग गया, आता जाता रहता था। उनके पास कैटलॉग होती थी तो कैटलॉग में पढ़ता था नाम वाम, क्या नाम है क्या नाम है कौन से डॉग्स का, तो फिर इस तरीके से शौक बढ़ता गया। फिर उनकी दुकान पर मैं बैठा हुआ था तो कोई कस्टमर आया, कस्टमर को मैंने डॉग बेचा तो उन्होंने बोला यार तुम इतने का तो हम भी डॉग नहीं बेच पाते, तुमने इतना महंगा बेच दिया। मैंने बोला बस बेच दिया, तो उन्होंने बोला तुम मेरे पास काम पे आ जाओ। उस टाइम एक दफ़ा मैंने कंपनी में काम किया था तो मेरे को ना 10 दिन तक काम करवाया था, तो 10 दिन काम करवाने के बाद मेरे को आज तक पैसे नहीं मिले उसके। ये 14 अगस्त वाले दिन में मैंने काम किया था, दुनिया के बच्चे खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे और मैं वहाँ काम कर रहा था। वो हुआ ये था कि कंपनी में काम करवा रहे थे और बंदा गया हुआ था जॉब अपना छुट्टियों पे, 10 दिन बाद वो जॉब अपना जॉब पे आ गया तो मेरे को उन्होंने निकाल दिया, बोला आपका काम हमें समझ में नहीं आया, जबकि उसकी हाजिरियाँ लग रही थी। इसलिए जाहिर सी बात एक अलग मैटर हो गया ना कुत्ते के फील्ड, इस वजह से मैंने बोला आइंदा मैं कंपनी में काम नहीं करूँगा। अच्छा, आपने वहाँ से ये डिसाइड किया कि मैंने कंपनी आइंदा कभी काम नहीं करूँगा, अपना करूँगा छोटा मोटा करूँगा। अच्छा, मुझे किसी दोस्त ने कहा जी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा जी जी, क्योंकि आप उस पर चढ़ दौड़ोगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। कहने लगे वो दोस्त मेरे ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी जी जी कि गली में जो कुत्ते वो बच्चे देती है ना, हाँ कुतिया, तो उसमें जो सबसे खूबसूरत होता था उसको आप नहला धोला के सदर एम्प्रेस मार्केट, इतना खूबसूरत होगा तो उसको नहलाने धोलाने की क्या जरूरत पड़ेगी, वो तो ऐसे बिक जाए। नहीं, जो खूबसूरत होता है जाहिर सी मिट्टी में मैला हो जाता है। ऐसे भी मैंने खुद बेचे भाई, ऐसे बेचे झूठा, ये बोला जिसने बोला सही बोला गलत नहीं बोला। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, होता है जी जी, होता है, कोई ऐसा मसला ऐसे तो शौक बड़ा है। हाँ जाहिर सी बात है भाई, देखें कम। अच्छा एक चीज़ और, वो जो कुतिया जो बच्चा देती थी उस वक्त जाहिर सी बात है नॉलेज नहीं होती जी थी जी, लोगों को पता नहीं होता था साइबर जी 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 क्या है, बस एक जर्मन शेफर्ड को देख लिया करते थे इंग्लिश जी जी, ऐसे ही वो समझते थे एक ही नस्ल चल रही है जी जी। जब आप वो गली के कुत्ते के बच्चों में से सेलेक्ट करके जब मार्केट में लोग में तस्वीर होती थी ना उनकी ब्रीड होती थी, मैं पता चल जाता था ये ब्रीड से मिलता जुलता है उसी हिसाब से भाई। देखे कंपनी में पता क्या है, अब पता है धक्के खुआरी थी नहीं, तो मैं बात समझ जी जी। अब जब लोग कैटलॉग में देखते होंगे तो उस वक्त उनको यकीन आ जाता होगा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब का भी जमाना इतना नहीं जी था जी, बिल्कुल वो कहते होंगे हाँ यार ये मिल रहा है तो कोई चीज़ है जी जी, और उसका आप प्रॉफिट भी ठीक ठाक ले लेते होंगे। नहीं नहीं, बस मेरी बचपन से याद है जो मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फ्री का बच्चा अगर 50 में भी बिक जाए, पहले दुकानदारों को भी मिले बेचे, दुकानदार भी कम नहीं है, दुकानदारों ने भी खूब दबा के बेचे। अच्छा, जैसे कि अभी एक सिलसिला चल रहा है सदर, देखिए एक बात सुन, एक मिनट पहले मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, अभी भी वो सिलसिला इस तरह चल रहा है कि कोयटे से बच्चे आ जाते हैं उसको कलर किया जाता है, कलर भी किया, फिर उसको जर्मन शेफर्ड बनाया जाता है, जर्मन शेफर्ड बना, किसी को जो नहीं बन सकता तो उसको लैब्राडोर ही बना दिया जाता है जी जी जी, ठीक है ना। और ये चीज़ चल रही, लेकिन जो वो बच्चे वहाँ से आते हैं कोयटे से जी जी, वो ज़्यादा मतलब यहाँ सर्वाइव नहीं, बचते नहीं, मर जाते हैं, आबो हवा चेंज हो जाती है। और मैंने पता क्या नादानी में ये काम किया, और जिसने मेरे से लिया होगा मैं माजरत चाहता हूँ उनसे, ठीक है। और ये कि मेरे को नादानी में तो पता नहीं था, लोग बेचारे किस तरीके से पैसे जमा करके लेके आते थे और डॉग ले जाते थे, तो मुझे खुशी नहीं होती थी। मैंने पैसे ज़्यादा महंगा भी बेचे लेकिन मुझे खुशी नहीं होती थी उन पैसों की, मैं यही सोचता था यार पता नहीं किस तरीके से जमा करके लेके आया होगा। तो उस टाइम इतने नस्लों का मुझे पता भी नहीं था, जब से यानी समझ आई है तो मैंने 2 नंबर काम बिल्कुल छोड़ दिया, यानी कि मिक्स ब्रीड नहीं बेचता अब अल्लाह का शुक्र है, ओरिजिनल ब्रीड बेचता। आप मिक्स ब्रीड बेचें, आपके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाएं, आप बोल दें कि ये मिक्स ब्रीड है जी जी। नहीं, मैं मिक्स ब्रीड लेता ही नहीं हूँ, साल की बात है, अगर आप बेच भी रहे ना तो सच बोल के तो बेच। असल में मैंने बचपन में बेचा है ना, एक आदमी जैसे कि आपके पास 800 रुपए थे जी जी, आप 1500 रुपए का कुत्ता नहीं खरीद पा रहे थे, एक आदमी कहता मुझे मिक्स ब्रीड दे दो, सस्ता मिलेगा। बहरहाल ये जो है शौक जो है आपका चलता रहेगा इस तरह जी जी ना, और जितने भी मेरे व्यूवर हैं जी जी, ठीक है ना। जाहिर सी बात आपको पता है कि हमारे व्यूवर का फ़ोन आपके पास आता है, बिल्कुल आता है जी। अभी जी, मैं कैमरे सेट कर रहा था तो एक व्यूवर का आया था, तो आपने मेरी बात भी करा दी जी जी। तो उनके शौक़ को पूरा करें, अगर उनका शौक भर जाता है ना जी जी, तो वापस लेके उनको जो भी आपका वो होता है जी जी, वापस लेके
नहीं, अब तो काफ़ी टाइम सालों साल हो गए, मैं मिक्स ब्रीड बेचता ही नहीं हूँ, ना लेता हूँ ना बेचता हूँ। ओरिजिनल चीज़ आती है तो लेता हूँ, नहीं तो बोलता हूँ खाली सही है। मगर लोग तो मेरे पास दो चार घर में होते ही हमेशा, अल्लाह का शुक्र। और ओरिजिनली जो मुझे पसंद आता वही लेता हूँ, जो बिल्कुल खालिस प्योर होता चीज़, जो जिसमें ज़रा सी मिक्सिंग होती है मुझे खुद पसंद नहीं आता, मैं दूसरे अपने कस्टमर को भी कभी नहीं देता। नहीं, वो बात तो सही है जी। अच्छा चलें, अपना साकिब साहब अपना फ़ोन नंबर हमारे व्यूअर्स को बता जी। 03122912531। एक दफ़ा और रिपीट कर दें जी। 03122912531 लेकिन मोबाइल नंबर। इस उम्मीद के साथ कि जो भी आपसे रब्ता करे जी जी, उसको जो अभी आपने प्राइस बताया ना जी जी जी, उसमें जो भी रियायत हो जी जी, वो कीजिएगा, ठीक है जी जी, इंशाल्लाह। थैंक यू, जजाक अल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आमीन आमीन। तो व्यूअर, ये थे हमारे साकिब भाई, साकिब साहब जो सदर में आप लोग देखते हैं इनको, डॉग ले कर पहुँचते हैं वहाँ पर, और काफ़ी हमारे व्यूअर्स को इन्होंने डॉग भी दिया हुआ है। किसी भी बार हैदराबाद में दिया हुआ, किसी को कोटे में दिया हुआ है, किसी को पिशावर में दिया हुआ है, और ये तकरीबन बहुत सारे जो व्यूअर हैं इनसे बड़े मानूस हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त चाहने से पहले फिर मैं वही वाली बात करूँगा कि देखें, यूट्यूब ने तो हम पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं, ऊपर से हमारी तबीयत सही नहीं है कि हम जाके अब मार्केट की कवरेज कर सकें, ठीक है ना। तो अब मसला ये है कि फारिग मैं ही हूँ इस वक्त, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक का बटन दबाने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपने जो वीडियो देखी वो आपको पसंद आई है, ठीक है। लाइक के हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, ठीक है ना। हमें ये पता होता है कि इस वीडियो में जो लाइक करने वाले लोग हैं वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। व्यूज़ तो सब दे रहे होते हैं, 30,000 व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक को ज़रूर दबाएं, वो लाइक को लाइक कर दिया करें, और जो स्पेशली बेल आइकन को भी दबा दिया करें, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दिए, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।